नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी एक चिकन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज की रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। यहाँ पे मैंने आज की रेसिपी के लिए 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रखना है। तो एक एक करके हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और डालेंगे 1 नींबू का रस। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कम से कम हम इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस शुरू करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसे ढक के 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। 15-20 मिनट बाद एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए, डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा करके। गैस का फ्लेम हाई करके प्याज को हम बस 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना था, बस 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। चिकन डालने के बाद अच्छे से प्याज के साथ हम भूनेंगे इसे 6 से 7 मिनट। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम में हम पहले इसे 2 मिनट भूनेंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये चिकन करी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगता है। आप इस चिकन करी से रोटी, नान, चावल कुछ भी खा सकते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम में हम 2 मिनट पहले भूनेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करके चिकन को ढक के पकाएंगे 5 मिनट। दो से 3 मिनट हाई फ्लेम में चिकन को पहले भून लिया है। अब हम यहाँ पे चिकन को ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट। तब तक प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो पैन को कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 5-6 मिनट हम ढक के पकाएंगे, लेकिन आप बीच में 1-2 बार स्पैचुला से चला लीजिएगा, जिससे चिकन हमारा ना जले। 7-8 मिनट बाद चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं हल्का, और आप देख सकते हैं चिकन से कितना एक्स्ट्रा पानी निकले हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में चिकन को हम पूरी तरीके से ड्राई कर लेंगे। अब हम चिकन को ढकेंगे नहीं, तो बीच बीच में चलाते हुए मैं चिकन को ड्राई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है और साइड से तेल अलग भी दिख रहे हैं। अब हम कढ़ाई को निकाल के साइड में रखेंगे। अब हम एक दूसरे कढ़ाई में ले लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। आप सेम पैन में बना सकते हैं। चिकन जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसे निकाल लीजिएगा और उसी कढ़ाई में आप बना सकते हैं।
तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और तेल को अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाए डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, दो दालचीनी का टुकड़ा और चार छोटी इलायची। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर को पेस्ट बना के। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी। पहले भी हमने हल्दी डाला था तो कम डालेंगे। और मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का यूज़ किया है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। आप अगर नॉर्मल चिल्ली पाउडर यूज़ करेंगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। डालेंगे हम एक चम्मच भुने हुए जीरा पाउडर। मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था जीरा को और उसके बाद मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच चाट मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और जो चिकन हमने फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में हम 2-3 मिनट मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मसाले के साथ चिकन को अच्छे से 2 मिनट हाई फ्लेम में भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे गुनगुना गरम पानी 1 कप। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और चिकन को हम ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट। चिकन हमारा पहले से ही सॉफ्ट है तो 10-12 मिनट हम इसे लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम पैन को कवर कर देंगे। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्रेवी में बॉईल आ चुकी है, पैन को कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और चिकन को ढक के पकाएंगे 10 मिनट। बीच में एक दो बार आप चेक कर लीजिएगा जिससे चिकन नीचे ना चिपके। 10-12 मिनट हो गए, चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और 1 मिनट चिकन को हल्का और ड्राई कर लूँगी। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हैं जैसे आपको पसंद हो। एक मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चिकन हमारा बनके तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। और देख के जितना डिलीशियस लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स चिकन तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये चिकन करी की रेसिपी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा मेरे रेसिपी को। तो फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।